नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपको मेरे सुपर सपोर्ट चैनल पर। आज से हम आपको हमेशा मैथ का वीडियो दिया करेंगे सेट। ऑब्जेक्टिव का रोज का सेट होगा, 25 क्वेश्चनों का सेट होगा, जिसको अगर आप रेगुलरली सही से देखते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज चूँकि पहला सेट है, इसलिए थोड़ा सा कमी वीडियो हम लिए हैं, कमी क्वेश्चन लिए हैं वीडियो में। हम 10 क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 10a बराबर होगा, तो 10a बराबर कोट 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए, कोसेक 90 माइनस ए, तथा सी ऑप्शन है आपका कोस 90 माइनस ए। तो इसमें से आपका कोट 90 माइनस ए करेक्ट आंसर होगा, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, देखिए ये है आपका एक्स अक्ष, ये है एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। तो देखिए ये एक्स अक्ष से दूरी यही हो गई मित्रों, यह एक्स अक्ष से दूरी जो है यह कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल है? आज चूंकि पहला सेट है, इसलिए आसान आसान क्वेश्चन लिए हैं हम लोग, आसान से थोड़ा डिफिकल्ट के तरफ बढ़ेंगे। तो निम्न में से कौन जो है वृत्त का क्षेत्रफल है? तो वृत्त का क्षेत्रफल एकदम आसान क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल यदि आप पढ़े होंगे तो मालूम होगा आपको, सी जो है आंसर बिल्कुल सही है, पाई आर स्क्वायर। अब चौथा क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड विभाजन परिमेय का, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने की विधि है? तो यह प्रकलित करने की विधि है बच्चों मोसो का, मोसो को प्रकलित किया जाता है, परिकलित किया जाता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। इसके बाद आपका ये अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, चूँकि पहला सेट है इसलिए, और आसान से, चूँकि इस बार का कोरोना वायरस की वजह से क्वेश्चन भी कोई वास्ट नहीं आएगा, फिर भी हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। जब यहाँ से आज कितना तारीख है, आज है आपका 14 तारीख, मतलब 14 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 15 तारीख को अपलोड करूँगा। तो 14 तारीख से यदि हम लोग अभी आधा 15-16 दिन इसमें है, उसके बाद से आपका जनवरी पूरा, उसके बाद फरवरी में भी आधा होइबे करेगा, मतलब 2 महीना टाइम है हम लोग के पास। 2 महीना में बहुत क्वेश्चन हम लोग बना देंगे मैथ का ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव ही आपका क्या है, रिजल्ट बनाएगा, परसेंटेज बनाएगा। तो चलिए देखते हैं ये पाँच नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता वक्र तोरण कहलाती है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है? तोरण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो निम्न में से देखिए, एक ऑप्शन नंबर ए है √3, ऑप्शन नंबर बी है √2 × √2/√2, और ऑप्शन नंबर सी है 4+√5, ऑप्शन नंबर डी है √6। तो इनमें से तो कोई होने वाला नहीं है, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, और यहाँ से √2 से √2
पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, और ये दो बच जाएगा, आपका दो बच जाएगा। तो दो दो को लिखा जा सकता है 2/1, मतलब ए अपॉन बी के रूप में लिखा जा सकता है, अतः बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक घात वाले बहुपद को कहा जाता है, मतलब एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद आपका, एक घात वाला बहुपद ऑप्शन में है, ए ऑप्शन है द्विघातीय बहुपद, तो द्विघातीय बहुपद तो कभी होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है बी एक घात बहुपद, तीसरा ऑप्शन है आपका रैखिक बहुपद, और चौथा ऑप्शन है बी तथा सी दोनों। तो यही डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्योंकि एक घातीय बहुपद मतलब एक घात वाला बहुपद एक घातीय होबे करेगा। उसके बाद से ये है रैखिक बहुपद, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, क्योंकि उसका ग्राफ बनाओगे ना तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, इसलिए उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। एक घात वाला एक रैखिक रेखा प्राप्त होता है, इसलिए उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप है। तो त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप देख रहे हैं ऑप्शन ए में, तो दुई घात वाला है, ये दो घात वाला है, तो ये तो हो ही नहीं करेगा। ये यहाँ 4 है तो ये भी नहीं होगा, ये 2 है तो ये नहीं होगा, ये व्यापक रूप होगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होगा आपका त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदु माइनस चार कमा तीन की स्थिति किस पाद के, किस इधर से रहेगा, किस पाद में है, अर्थात चतुर्थांश में। तो देखिए ये आपका कार्तीय तल में यहाँ क्या होता है, प्लस मतलब एक्स का मान भी प्लस और वाई का मान भी प्लस, यहाँ एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस, यहाँ एक्स का मान भी माइनस वाई का मान भी माइनस, यहाँ एक्स का मान प्लस वाई का मान माइनस। तो देखिए माइनस है, एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में तो हाँ बी नंबर क्वेश्चन इसमें सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन से देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद का परिभाषा जिस विद्यार्थी को मालूम रहेगा वो तो बनाइए देगा। थोड़ा सा एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है आज के सेट में, क्योंकि पहले दिन का सेट है इसलिए। तो देखिए ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद का परिभाषा होता है वह बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, मतलब कि पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो, 0, 1, 2, और ये 0 में एक गिनती की संख्याओं में 0 को ऐड किया जाता है तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो ये नंबर देख लीजिए, यह तो बहुपद होगा क्योंकि चर राशि, इसे चर कहते हैं। देखिए एक्स वाई जेड ये सब क्या है, चर है, एक्स वाई जेड, और उसके बाद से जितना संख्याएं होती है 2, 3, 4 ये सब अचर है, मतलब चर मतलब चलने वाला, अचर मतलब जैसे 5 है तो 5 का कहीं भी ले जाके मान रखिएगा तो 5 ही होगा। एक्स का मान देखते हैं कभी 1 आता है कभी -2 आता है, ऐसे तो चलने वाला। तो यहाँ यह होगा क्या बहुपद, इसमें उसके बाद है ये भी बहुपद होगा क्योंकि चर राशि का घात पूर्ण संख्या है। आइए बी नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको 1/x है तो इसको ऊपर ले जाइएगा, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, देखिए 1/x है तो इसको ऊपर ले जाइएगा तो x^-1 हो जाएगा, तो x^-1 हो जाएगा, तो ये क्या पूर्ण
संख्या है? नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या ए बी सी हो जाएगा आपका करेक्ट। तो ये इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। अब रोज आपको मिला करेंगी वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और